आज हम लोग करेंगे लिक्विड वेब की नेक्सेस मैनेज्ड होस्टिंग का डिटेल्ड रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग एक प्रीमियम मैनेज्ड होस्टिंग का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है नेक्सेस। इसमें मैं बताऊंगा कि होस्टिंग के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने किसको खुद परचेस किया है, क्या अपटाइम रहा है, क्या लोड टेस्ट रहा है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। स्पेशल कूपन कोड भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली, और क्या ये क्लाउडवेज का अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, वो भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। कंपनी की बात करें तो ये लिक्विड वेब की तरफ से आती है। पहले ये लिक्विड वेब ही थी, अब इन्होंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो लिक्विड वेब में अब यहाँ पर VPS आते हैं, डेडिकेटेड सर्वर्स आते हैं, और नेक्सेस पे मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, वूकॉमर्स होस्टिंग, वो सब नेक्सेस के अंदर आती है। और स्टेलर WP भी इन्हीं का ही है, जिनके पास iTheme सिक्योरिटी प्रो है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, केडेंस है, वन ऑफ द बेस्ट थीम्स, लर्न डैश है, इवेंट कैलेंडर्स है, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है इनके ब्रांच के अंदर। टेस्टिंग पैरामीटर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मैंने स्पार्क प्लान लिया था इनका, इसको मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इस पर एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी है जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये रही मेरी वेबसाइट, ओशन WP थीम के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पर एलिमेंटोर का भी मैंने यूज़ किया है फॉर दिस वेबसाइट, और एक डोमेन पर होस्ट किया है, एंड कोई सेपरेट कैश प्लगइन यहाँ पर यूज़ नहीं किया। बाय डिफॉल्ट जो आता है नेक्सेस की तरफ से सिर्फ वही है। यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करें तो जैसे ही लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको यूज़र इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से मैं अपनी साइट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ये रहा मेरा प्लान, इसके अंदर मेरी वाली साइट बनी है। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर सारे ऑप्शंस मुझे मिल जाएंगे। इसमें से जो भी मेन ऑप्शन है, दैट आई विल कवर। तो इनका एक खुद का कस्टम पैनल है, सी पैनल आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए यू कैन जस्ट गो हियर, एंटर वर्डप्रेस, और ये आपका यहाँ पर WP एडमिन खुल जाएगा। डेटा सेंटर्स के बारे में बात करी जाए तो यूरोप से 2, US से 2, और एशिया में सिर्फ सिडनी से आपको मिलेगा। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम के बारे में बात करूं तो मेरा US का सर्वर था, US में मुझे कब मिला, एंड डाउन द लाइन सिंगापुर इंडिया में आते आते थोड़ा इसका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया। स्पीड्स की बात करी जाए तो यहाँ पर मुझे US में जो स्पीड्स मिली है वो है अंडर 900 ms, एंड इंडिया में जो मुझे मिली है वो है 3.4 सेकेंड। तो US में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया में मुझे यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है। बट यहाँ पर इनका CDN भी है, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मुझे थोड़ी और कम स्पीड देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया में मुझे यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्पीड देखने को मिली है, तो आई एम डिसअपॉइंटेड बाय दैट। और जब मैंने दूसरी बार इसका टेस्ट किया, दूसरी वेबसाइट से किया, तो इट वॉज अराउंड 4.45 सेकेंड। अगेन USA से मुझे कम स्पीड देखने को मिली है, अच्छी स्पीड देखने को मिली है, बट इंडिया से अच्छी स्पीड नहीं मिली है। मतलब CDN इनका मेरे केस में वर्क नहीं कर रहा था। अभी यहाँ पर CDN की बात करूँ मैं तो ये लोग मूव भी कर रहे हैं CDN फ्रॉम नेक्सेस CDN जो इनका खुद का प्रोप्राइटरी था, उससे लोग जा रहे हैं अभी क्लाउड फ्लेयर पे। तो अभी मेरा वो मूव नहीं हुआ है, मे बी इन फ्यूचर शायद से बेटर हो जाए, लेकिन अभी जब एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग दिस मुझे CDN के रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले। ये रहा इनका CDN का इंटरफेस, यहाँ से इनका पूरा CDN आप लोग इनेबल कर सकते हो, और पर्च का भी ऑप्शन यहीं पर मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपटाइम की बात करें तो 100% अपटाइम मिला है 82 डेज में, जो कि बहुत बड़ी बात है। कोई भी डाउन टाइम नहीं हुआ है, नॉट फॉर इवन फॉर अ सिंगल मिनट। लोड टेस्ट के बारे में बात करी जाए तो 9000 यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी देखने के लिए कि साइट लोड कैसे हैंडल कर रही है। यहाँ पे 50 वर्चुअल यूजर्स थे एट अ टाइम, रिफ्रेश कर रहे थे, देख रहे थे कि सब अच्छे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये वर्चुअल बॉट्स भेजे, तो जैसे देख सकते हैं आप लोग ये बढ़ते गए, लेकिन जो रिस्पॉन्स टाइम है हियर वो कॉन्स्टेंट ही था। तो रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 60 ms 70 ms, तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे स्पाइक आया था, उसके बाद यहाँ पे कोई स्पाइक नहीं आया, और कोई यहाँ पर फेलियर्स भी नहीं हुए। तो वेबसाइट ने लोड यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। डोमेन्स की बात करूँ तो कोई डोमेन नेम फ्री में नहीं मिलता है यहाँ पर आपको किसी भी प्लान के साथ में, लेकिन आपको टेम्प्ररी डोमेन नेम मिल जाता है ताकि आप लोग अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सको बिफोर मेकिंग इट लाइव। बैकअप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 30 डेज तक का बैकअप मिल जाता है, और अच्छा बैकअप है, ऑफ साइट बैकअप है। यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हो फाइल्स को, डेटाबेस को, और अगर आपको सिलेक्टिवली रिस्टोर करना है तो यू कैन मेल देम या फिर कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपका सिलेक्टिवली रिस्टोर यहाँ पे कर देंगे। और जो भी इनकी सर्विस है वो मुझे अच्छी लगी है रिगार्डिंग बैकअप्स एंड रिस्टोरेशन, अच्छा है। कस्टमर सपोर्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर 3 तरीके से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ़ोन से, ईमेल से, या फिर चैट के थ्रू। मेरे एक्सपीरियंस में जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है अच्छा है, मतलब जल्दी वो लोग आ जाते हैं, जल्दी वो लोग मुझे रिस्पॉन्ड कर देते हैं। फर्स्ट में इनिशियली दे टेक अप माय रिक्वेस्ट क्विकली, बट उसके बाद यहाँ पर उनको टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में। जैसे मैंने पूछा कि इनोड काउंट कितने हैं, तो 543 पे पूछा मैंने, 549 पे उसका आंसर आया। उसी तरीके से 532 पे यहाँ पे क्वेरी करी, 538 पे इसका आंसर आया था, और इसके बाद 515 पे, फिर 518 पे। तो जो मैसेज के बीच में जो गैप होता है वो यहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सपोर्ट वाज गुड। और बहुत बार वो लोग मुझे यहाँ पे रेफ़र कर रहे थे दूसरे नॉलेज बेस के ऊपर, जैसे मुझे बहुत बार यहाँ पे लिंक दे रहे थे कि वाला आर्टिकल जाके पढ़ लो,
तो भाई इससे अच्छा यार आप पहले मुझे इसका सॉल्यूशन दे दो, उसके बाद मुझे आर्टिकल दो, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इनका नॉलेज बेस है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन थोड़ा पुराना भी है। जैसे ये है, ये इनका पुराना इंटरफेस है, अभी इनका नया वाला इंटरफेस चेंज हो गया। तो नॉलेज बेस में आप यार आपको स्क्रीन शॉट्स जो दिखेंगे वो पुराने इंटरफेस के दिखेंगे, नए के अभी तक सिर्फ कुछ ही आर्टिकल्स में। अब बात करते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में। प्राइजिंग अगर आप लोग देखोगे तो जो मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है, इसकी अगर मैं बात करूँ, इस पर आप लोग वू कॉमर्स भी होस्ट कर सकते हो, तो इसकी प्राइजिंग आपको मंथली पड़ेगी $21 की, एनुअली पड़ेगी $17 की, नॉर्मल प्राइजिंग है। अब बात करते हैं कृपेश आडवाणी की प्राइजिंग के बारे में। तो आपको मेरे जाना है नीचे दिए गए लिंक पे, go.kripeshadwani.com/nexus, ये आपको नीचे मिल जाएगा। इस पर आपको यहाँ पर मिलेगी स्पेशल प्राइजिंग। जी हाँ, आप लोग जैसे यहाँ पे नीचे जाओगे, जो मंथली वाला प्लान है जो $21 का था वो $13 का हो जाएगा, एंड एनुअल प्लान यहाँ पर $12.67 का हो जाएगा। इसमें आपको एक साइट मिलेगी, PHP वर्कर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब जो लोड हैंडलिंग रहेगी वो काफ़ी अच्छी लगेगी। जो मतलब अगर मैं कुछ इंडस्ट्री लीडर्स की बात करूँ, जैसे किंस्टा हो गया, तो वहाँ पर आपको दो मिलता है या तीन मिलता है, यहाँ पर 10 PHP वर्कर्स मिल रहे हैं। अनलिमिटेड है, इस पर कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है, तो जब तक आपकी 2 TB की बैंडविथ नहीं कंज्यूम होगी तब तक आपकी वेबसाइट पे कोई लिमिट नहीं रहेगी। लेकिन सिर्फ एक साइट है, तो एक ही साइट इस पर डाल पाओगे। लेकिन अगर हैवी ट्रैफिक आ रहा है, लोड आ रहा है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो ये जो चीज़ है ना, PHP वर्कर्स और ये बैंडविथ, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। 2 TB काफ़ी ज़्यादा होती है फॉर दिस प्राइस पॉइंट, और 30 डे मनी बैक गारंटी है, दैट्स गुड। सपोर्ट आपको सब मिल जाएगा, कॉल सपोर्ट इंडिया में नहीं है, वो सिर्फ US के लिए है। और यहाँ पर फ्री प्लगइन्स भी मिल रहे हैं, तो आई थीम सिक्योरिटी प्रो ये आपको फ्री में मिल रहा है, एस्ट्रा की प्रो थीम ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। वो आप लोग जैसे ही यहाँ पर वाला प्लगइन इंस्टॉल करोगे नेक्सेस के ऊपर, मैं यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाऊँगा, तो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ आई थीम सिक्योरिटी प्रो को, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। एंड एस्ट्रा प्रो भी यहाँ पर मुझे फ्री में मिल जाएगा, जब मैं एस्ट्रा की थीम इंस्टॉल कर दूंगा तो ये इनेबल हो जाएगा। और कोई भी यहाँ पर आपको होस्टिंग सर्विस आई थिंक सिक्योरिटी प्रो फ्री में नहीं देती। अब ये इन्हीं का ही प्लगइन है, मतलब इन्हीं के फैमिली में से आ रहा है लिक्विड वेब की, तो ये आपको फ्री में मिल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सिक्योरिटी के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड एस्ट्रा प्रो भी काफ़ी अच्छी थीम है, वो भी आपको फ्री में मिल रही है। तो जो नीचे वाला लिंक है उस पर आपको ये सारे फ्री प्लगइन्स भी मिल जाएंगे और डिस्काउंटेड प्राइजिंग भी मिल जाएगी, यू कैन चेक दैट आउट। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को नेक्सेस ने स्पॉन्सर नहीं किया है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बेस्ड है मेरे टेस्ट के ऊपर, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे तो आई विल गेट अ कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो, आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्री प्लगइन्स भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। जस्ट गो एंड बाय थ्रू माई लिंक, दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। नाउ लेट्स गो बैक टू अवर रिव्यू। सिक्योरिटी की बात करी जाए तो SSL मिल जाएगा आपको, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, DDoS प्रोटेक्शन है, और इनका एक विजुअल कंपोजर भी है। ये क्या करता है, विजुअल कंपैरिजन, सॉरी। तो जैसे ही यहाँ पर ये सब अपग्रेड होगा, ये देखेगा कि कुछ विजुअल चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कि जैसे 3.14.0 था, जब ये ऑटो अपडेट पे मैंने इसको ऑन करके रखा, इसने अपडेट कर दिया, जैसे 3.14.1 पे अपडेट किया, तो कुछ यहाँ पे विजुअल चेंजेस हुए नहीं हुए हैं, तो वो अपग्रेड को सक्सेसफुल कर देगा। अब मान लो कुछ ब्रेक डाउन हो जाता, ये बटन यहाँ से गायब हो जाता, ये बटन यहाँ नीचे हो जाता, तो वो उस अपडेट नहीं करता और मुझे नोटिफाई करता कि अपग्रेड में शायद से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये फीचर मैंने बहुत सारी वेब होस्टिंग में नहीं देखा है, इनफैक्ट जो प्रीमियम वाली आती है WP इंजन, किंस्टा, उसमें भी ऐसा कुछ फीचर नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि मुझे बार बार अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मुझे ये भी नहीं देखना है कि मेरी वेबसाइट यहाँ पर बार बार कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है। ऑटो अपडेट पर रख दो तो सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बहुत बार पुराने प्लगइन्स में अगर आप उसको अपडेट नहीं करते तो उसमें वल्नरेबिलिटीज़ रहती है, तो अपडेट करना ज़्यादा हो जाता, अपडेट करना एक नेसेसिटी बन जाती है, और इसकी वजह से थोड़ी चैन की नींद तो मुझे मिली जाएगी। स्टेजिंग वेबसाइट के बारे में बात करूँ तो वो इजीली बना सकते हैं हम लोग यहाँ से, और उसको मैनेज करना भी इजी है। लेकिन अगर मुझे उसको यहाँ पे पुश करना है, तो पुश करने के लिए मुझे उसके लिए एक प्लगइन का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उसको पुश कर पाऊँगा। तो ये मुझे थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगा कि अगर मैनेज होस्टिंग है तो एटलीस्ट गिव मी अ ईजी वे टू पुश माई स्टेजिंग वेबसाइट लाइव, कि मैंने उस पर चेंजेस करे, फिर चेंजेस के बाद मैं एक बटन पर उसको अपनी लाइव वेबसाइट पर कर दूँ। तो ये फंक्शनैलिटी इस पर नहीं है, बाकी जितने भी जैसे क्लाउडवेज होस्टिंगर पे भी है, इनफैक्ट पुश के लिए काफ़ी इजी हो गया है, इस पर नहीं है अभी तक, आई वंडर वाई। ईमेल्स की बात करी जाए तो ईमेल्स यहाँ पर आप लोग होस्ट कर सकते हो, अपनी ईमेल्स आप लोग बना सकते हो, फ्री बिजनेस ईमेल मिल जाते हैं आपको अनलिमिटेड, जो कि मैनेज्ड होस्टिंग में यूजुअली नहीं मिलते हैं, जैसे कि क्लाउडवेज, किंस्टा, WP आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा। बाकी अदर फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक ऑटो स्केलिंग करके फीचर है, तो अगर आपकी ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए तो 24 घंटे के लिए लोग आपके ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ा देंगे, ताकि वो आपका सर्वर यहाँ पर इजीली लोड ले पाए, उसको ऑटो स्केल कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको बिल किया जाएगा अगर आपने उसको अपग्रेड नहीं किया। तो
$6 पर घंटे के हिसाब से बिल किया जाएगा, तो 24 घंटे में अपग्रेड कर दो। अगर आपकी एकदम से ट्रैफिक आ रही है तो ये हैंडल कर लेगा, लोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद माइग्रेशंस अनलिमिटेड है, अपाचे के सर्वर्स है, PHP 8.2 मिल जाता है, ऑब्जेक्ट कैशे भी है यहाँ पर, तो वो कॉमर्स के लिए या ई कॉमर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। माइग्रेशंस अनलिमिटेड है, जितना प्लान लोगे उसके हिसाब से माइग्रेशंस हो जाएंगे, ट्रैफिक की कोई लिमिट नहीं है। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। कुछ प्रोस के बारे में बात करूँ तो लोड इसने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, और PHP वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा है तो लोड ये अच्छा हैंडल कर लेगा। स्पीड अप टाइम भी अच्छा था और काफ़ी फीचर रिच भी है यहाँ पे, विजुअल कंपैरिजन है, ऑटो स्केलिंग है, आई थीम सिक्योरिटी प्रो, एस्ट्रा प्रो, ईमेल सब आपको मिल जाते हैं इसी प्राइस पॉइंट पे, तो काफ़ी अच्छी बात है। कुछ कॉन्स के बारे में बात करी जाए तो CDN एट प्रेजेंट इनका अच्छा नहीं है, जब ये माइग्रेट कर दे क्लाउड फेयर पे तब शायद से थोड़ा अच्छा हो जाए। फाइल मैनेजर नहीं है यहाँ पर, सपोर्ट इनका अच्छा है लेकिन कभी कभार थोड़ा स्लो हो जाता है, और स्टेजिंग में यहाँ पर पुश करने की फंक्शनैलिटी नहीं है, उसके लिए आपको सेपरेट प्लगइन डालना पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम मैनेज्ड होस्टिंग कंपेयर टू WP इंजन, किंस्टा या इनफैक्ट इवन क्लाउडवेज। क्लाउडवेज का जो $12 वाला सर्वर है वो कंपेयर करूँ अगर मैं इससे, तो ये बहुत ज़्यादा उससे ट्रैफिक ले सकता है, ईमेल होस्टिंग मिल जाती है आपको, और एस्ट्रा प्रो, आई थीम्स प्रो, तो काफ़ी फीचर रिच भी है ये, सिवाय CDN के इसके। तो अगर आपको CDN आपको यहाँ पे सेपरेटली लेना पड़ेगा, इनका CDN 8% अच्छा नहीं है, तो इंटरनेशनल अगर आपकी ऑडियंस आ रही है सारी जगह से तो CDN ले लो, बनी CDN से या कहीं से भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक विथ माई कूपन कोड Nexcess बिकम अ गुड प्रीमियम मैनेज होस्टिंग चॉइस राइट नाउ, जिसकी तरफ आप लोग जा सकते हो। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डिटेल रिव्यू चाहिए तो वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पढ़ सकते हो, उसको मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा, सब मिल जाएगा उसमें, लेटेस्ट अपटाइम डेटा भी। And that's all for this one. Video अच्छा लगा तो thumbs up दे दीजिएगा, channel को subscribe कर लीजिएगा for more interesting videos, and I will see you guys in the next one. Goodbye.